आपका यूनिट टू जो कि बायोलॉजी है, आपका यूनिट टू जैव जगत, जैव जगत से 20 अंक का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत आप टॉपिक पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक। तीसरा पढ़ेंगे प्रजनन, चौथा पढ़ेंगे अनुवांशिकता एवं जैव, क्या पढ़ेंगे अनुवांशिकता एवं जैव। ये आपका रहा बायोलॉजी का सिलेबस। अब आपका यूनिट थ्री से पढ़ेंगे फिजिक्स का सिलेबस जो कि है प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं से 12 अंक का क्वेश्चन पूछा है, ठीक। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपवर्तन, क्या पढ़ेंगे अपवर्तन। इसी प्रकार चलते हैं यूनिट फोर, यूनिट फोर इकाई चार, इकाई चार जो है आपका विद्युत का प्रभाव, क्या है विद्युत का प्रभाव, इससे 13 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब चलते हैं अगले यूनिट की तरफ। अब आप यूनिट फाइव पढ़ेंगे जो कि प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, इससे आपका 5 अंक का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत आप टॉपिक पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत, क्या पढ़ेंगे पहला ऊर्जा के स्रोत, दूसरा आपका है हमारा पर्यावरण, तीसरा आपका है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, क्या है तीसरा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन।